हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मैं आप सबके साथ परफेक्ट रेसिपी से परफेक्ट मोहनथाल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने कोई भी मावा या फिर मिल्क पाउडर ऐड नहीं किया है, फिर भी बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी और दानेदार बना है। तो परफेक्ट मोहनथाल की रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले ना हम मोहनथाल बनाने के लिए मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दरदरा बेसन लिया है, और 500 ग्राम बेसन के सामने मैंने 400 ग्राम चीनी और 400 ग्राम घी लिया है। ये मोहनथाल बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट है। दानेदार और परफेक्ट मोहनथाल बनाने के लिए हमें यहाँ पे दरदरा बेसन ही यूज करना है। अब हम बेसन को बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसमें घी और दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ कप गुनगुना दूध लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमने जो 400 ग्राम घी लिया था, इसमें से हाफ कप घी भी ऐड कर देना है। घी और दूध ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर ना इसे हाथों की मदद से इस तरह से रब करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे आटे में बिल्कुल गुठलियाँ भी नहीं रहेगी और सारी चीज़ें आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। गुजराती में इस प्रोसेस को धाबा देना बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन में धाबा देकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। तो आटे को छानने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह की बड़ी जाली वाली छन्नी लेनी है, जिससे हमारे आटे का टेक्सचर दानेदार होगा। तैयार किए हुए आटे में से थोड़ा थोड़ा आटा छन्नी के ऊपर रखकर इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए छान लेना है, जिससे ये जो आटे में गुठलियाँ है वो भी टूट जाएगी। इस तरह से हम सारे आटे को छान लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे आटे को छान लिया है, और आप देख सकते हैं बड़ी छन्नी से छानने की वजह से आटे में कितना अच्छा और दरदरा टेक्सचर आया है। अब हमें एक बड़ी और हेवी बॉटम वाली कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देना है, और इसमें 400 ग्राम में से बचा हुआ सारा घी ऐड कर देना है। फिर इसमें हमारा तैयार किया हुआ सारा बेसन ऐड कर देना है। इसके बाद घी और आटे को मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें सेकना है। मोहनथाल बनाने के लिए अगर आप सारी चीज़ें घर में से ले रहे हैं और आपके पास मेजरमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप इस तरह के डब्बे से मेजरमेंट निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में ना हमें मिश्रण थोड़ा ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मिश्रण गर्म होगा वैसे वैसे घी रिलीज होगा और घी ऊपर आ जाएगा। बेसन को लगभग 8 से 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं घी भी रिलीज हो गया है और मिश्रण पहले से काफी फूल गया है और लाइट हो गया है। अभी हमें इसे कलर चेंज हो जाए और टेक्सचर दानेदार हो जाए तब तक पकाना है। थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है और एक एक दाना हमें हल्का सा लाल कलर का दिखने लगेगा। इसका मतलब हमारा मिश्रण 80% कुक हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें एक साथ सारा दूध ऐड नहीं करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है और मिश्रण को पकाते जाना है। स्टार्टिंग में दूध ऐड करने से मिश्रण एकदम से फूल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम मिश्रण को पकाते जाएंगे मिश्रण दूध और घी दोनों सोख लेगा। यहाँ पे मैंने टोटल 500 ml दूध का यूज़ किया है। अगर आपको मोहनथाल में मावा ऐड करना है तो आपको बेसन 90% कुक हो जाए फिर मावा ऐड करके थोड़ी देर के लिए पका लेना है।
दूध में पकाने से मोहनथाल बिना मावा या मिल्क पाउडर के भी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। दूध ऐड करने के बाद इसमें आपको मावा या फिर मिल्क पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसन को दूध के साथ 8 से 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं बेसन ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और साथ ही में बहुत ही दानेदार टेक्सचर आ गया है और बिना फूड कलर ऐड किए भी बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इसका मतलब है हमारा बेसन परफेक्टली कुक हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे रख देंगे। कढ़ाई को नीचे रखने के बाद भी मिश्रण को एक दो मिनट के लिए इस तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे कढ़ाई गर्म होने की वजह से मिश्रण नीचे चिपकेगा नहीं। यहाँ पे हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम चीनी ली है और इसमें चीनी डूबे इतना पानी ऐड किया है। अब कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाए और चाशनी थिक और स्टिकी लगने लगे तब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पे हम चाशनी को दो तरीके से चेक करेंगे। पहले तरीके में एक प्लेट में एक ड्रॉप जितनी चाशनी निकालेंगे और प्लेट को इस तरह उल्टा करने से भी ड्रॉप गिरे नहीं, इसका मतलब चाशनी परफेक्ट हो गई है। और दूसरे तरीके में इस तरह से थिक और थोड़ा सा वाइट तार बनने लगे, इसका मतलब चाशनी परफेक्ट हो गई है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को बेसन के मिश्रण में ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने 5-6 इलायची को थोड़ी सी चीनी ऐड करके इसे पीसकर पाउडर बना लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा मोहनथाल बनके रेडी हो चुका है। अब इसे ग्रीस की हुई ट्रे या फिर प्लेट में निकाल लेंगे, फिर अपनी पसंद के चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे और फिर इसे 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अच्छे से सेट हो जाने के बाद इसे पीसेस में कट कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मोहनथाल कितना अच्छे से सेट हुआ है। और मोहनथाल ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा हार्ड, इस तरह से बिल्कुल ही परफेक्ट बना है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे एक बार मोहनथाल बना के ज़रूर ट्राई करना। बिल्कुल हलवे जैसा दानेदार, सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, एंजॉय।